Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we discussed about force and its effects. तो आज हम दूसरा लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे. तो वो है, पहले हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स. मोशन एक ऑब्जेक्ट में लाने के लिए हमें जो फोर्सेस चाहिए, वो फोर्सेस कितने टाइप्स का बन जाता है, या उस हिसाब से हम फोर्स के टाइप्स पढ़ लेंगे. तो नंबर फर्स्ट टाइप आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, बैलेंसर फोर्सेस. बैलेंसर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी पर हम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एग्जर्ट कर लेंगे और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा. तो उन कलेक्टिव फोर्सेस को हम बैलेंसर फोर्सेस कहते हैं. तो बैलेंसर फोर्सेस हम डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स पे एक फोर्स एग्जर्ट होता है इधर से, तो एक फोर्स वापस में एग्जर्ट होता है इधर से. इसी तरह से एक फोर्स ये वाला है, तो ये फोर्स ये है. तो अगर हम लेंगे ये फोर्सेस जो है, ये डायरेक्शन के एतबार से एक दूसरे के अपोजिट है. अगर इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, यानी एफ वन अगर एफ टू के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन के एतबार से ये इधर की जानिब है, ये इधर की जानिब है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करते हैं. तो इसी तरह से अगर यहाँ हम ये देखेंगे, ये वाला इधर होगा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं. तो नतीजा ये निकलता है कि जितने भी फोर्सेस हमने एग्जर्ट किए, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर, उन सब का जो एडिशन आ जाता है वो किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर. तो हम ये कहेंगे बैलेंसड फोर्सेस आर दोज वेरी फोर्सेस हूज equivalent force is equal to zero. The total force are two or more than two forces is equal to zero. तो उन forces को हम क्या कहेंगे? Balanced forces. अब जब बैलेंसड फोर्सेस एग्जर्ट होंगे, ये बॉक्स मान लीजिए पहले रेस्ट में था, इसमें बहुत सारे फोर्सेस एग्जर्ट हमने किए, चार फोर्सेस हमने यहां लिए, लेट हमने चार फोर्सेस यहां किए, तो चार फोर्सेस इस पे एग्जर्ट करने के बाद रिजल्ट जो निकला, टोटल फोर्स जीरो. तो ये अगर रेस्ट में है तो इसका रेस्ट वाला स्टेट चेंज नहीं होगा. इसी तरह से अगर एक बॉडी मोशन में होगी, तो उस पर हम फोर्सेस ऐसे एग्जर्ट कर लेंगे कि उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर होगा, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम कहेंगे जब कभी भी बैलेंस्ड फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं, दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. तो बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है? कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. तो ये बन गया फोर्स का पहला टाइप. अब देख लीजिए फोर्स का सेकंड टाइप क्या बन जाता है. तो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्सेस हम किनको कहते हैं? तो बैलेंसड फोर्सेस में हमें रिजल्ट फोर्स जीरो आया था. अब अगर हम ऐसे ही दो या दो से जायद फोर्सेस एग्जर्ट कर लेंगे एक बॉडी पे, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अब जीरो के बराबर नहीं होगा. दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो. तो जीरो के बगैर कुछ आ जाएगा, तब वो फोर्सेस जो बन जाते हैं उनको हम कहते हैं अनबैलेंसड फोर्सेस. तो पहले हम ये लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ टू आर मोर देन टू फोर्सेस इज नॉट जीरो. जीरो के बराबर नहीं होगा, तो उनको उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस.
तो अगर हम फिर से यहाँ एक बॉक्स लेंगे, या मान लीजिए ये एक स्टेशनरी कार है, एक कार की पड़ी है, तो पहले एक बंदा हमने लाया, उसने उस पर फोर्स एग्जर्ट किया, पुश अप्लाई किया इस पर, तो ये कार अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर पाई। तो क्यों नहीं कर पाई? एक्चुअल वापस में एक और फ्रिक्शन यहां वजूद, फोर्स फ्रिक्शन वजूद में आता है, फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आता है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स या तो इस फोर्स के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। तो हम इसकी पोजीशन को चेंज कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। तो हम दो तीन बंदे आ जाएंगे, मान लीजिए हमने तीन बंदे लाए तो उन्होंने फोर्स एग्जर्ट किया, तो इनका जो एफ वन एफ टू एफ थ्री, यहां जो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, दैट विल बी नाउ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा होगा। नतीजा ये निकला, इनका जो एडिशन है अब वो जीरो नहीं है, जीरो के बगैर और कुछ है, तो नतीजा ये निकलेगा दिस कार विल चेंज इट्स पोजीशन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जर्ट होने से एक बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन होता है दैट चेंज। तो वी विल से अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यहां हम उस सवाल का जवाब हासिल कर गए कि मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि मोशन में हमें यहां हमें इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि एक बॉडी में जो मोशन आती है उसका काज क्या होता है। तो वी विल से द काज ऑफ द मोशन इज व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो यहां तक ये हुए फोर्सेस के टाइप्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस जब हमें हासिल होंगे तो हम एक बॉडी में मोशन ला सकते हैं। तो इसी को डिस्क्राइब किया बहुत सारे साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली, तो वो इस यूनिट का दूसरा हिस्सा बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे लॉज ऑफ मोशन।